वेलकम टू अनदर वीडियो दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो दोस्तों, आज की वीडियो है इंडिया इज स्प्लिटिंग इनटू पार्ट्स, न्यू साइंटिस्ट रिसर्च। भाई साइंसदान नई रिसर्च कर रहे हैं, इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अब पता नहीं क्यों ये कैसे हो रहे हैं, तो प्ले करें। इंडिया को लेकर हाल ही में एक काफी डिस्टर्बिंग रिसर्च पब्लिश की गई। रिसर्च पेपर में लिखा गया था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट दो भागों में टूट रहा है और इसमें सबसे बड़ा खतरा पर्टिकुलरली है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इवन कुछ हद तक यूपी जैसे राज्यों को भी। इसके पीछे की वजह यह है कि राज्य हिमालय में घुसते चले जा रहे हैं एक धीमी रफ्तार से, और अगर इसी रफ्तार से ये प्लेट्स टूटते जाए तो आने वाले सालों में ये स्टेट्स भारत के नक्शे से पूरी तरीके से गायब हो सकते हैं। एंड यू नो व्हाट्स वर्स, किसी का भी ध्यान नहीं है और इस प्रक्रिया की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। Covered at this road, and you can see it's a full winger track, and a hand can go inside it. So it's a handful crack, we can say. दरअसल दिसंबर 2023 में चाइना के ओशियन यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के नॉर्दर्न एज को स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने उसमें एक ऐसे विचित्र फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया जो अब तक किसी भी दूसरे टेक्टोनिक प्लेट में नहीं देखा गया था। बाकी के टेक्टोनिक प्लेट्स अगर कभी स्प्लिट होते भी है तो भी वो इस तरह से होते हैं। हमने रिसेंटली जो अफ्रीका की स्प्लिटिंग पर वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी इसी तरह की स्प्लिटिंग के बारे में। लेकिन भारत के प्लेट्स की जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, वो ऊपर नॉर्थ की तरफ से कुछ ऐसे हो रही है, मानो जैसे कोई पीस ऑफ पेपर का लैमिनेशन उखड़ रहा हो। अब ऐसे में काफी सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है भारत की सतह के नीचे, पृथ्वी की गहराइयों में आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया घट रही है जो भारत को चाइना में ढकेल रही है? क्या इससे हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स इवन हिमालय पर्वत कुछ ही सदियों में बस हमारे इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे? और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट के बाद आखिर हमारे भारत का फ्यूचर कैसा होगा? वेल, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इन्हीं जवाबों को ढूंढने के लिए अगर आप बैक ट्रेस करते करते समय में पीछे चले जाओगे तो ये आपको पृथ्वी की एक स्पेसिफिक जगह की ओर लेकर जाएगा, और वो है टिबेट। 5 मई 2022, टिबेट से सटे सिचुआन इलाके में जमीन अचानक से हिलने लगती है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, उनके इर्द गिर्द की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती। देखते ही देखते सिचुआन में चारों तरफ मलबा फैल गया और इस मलबे के नीचे धंसकर लगभग 100 लोग मारे गए और 500 लोग घायल हो गए। लेकिन यू नो व्हाट्स द एस्टोनिशिंग पार्ट, ये भूकंप टिबेट के पिछले 5 सालों में 2046 भूकंप था। सो सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर ही एक ही जगह पर 2000 से भी ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। ये चीज कुछ अजीब नहीं लगी आपको? बस इसीलिए देश विदेश के सभी जियोलॉजिस्ट इस रीजन की और गहराई से जांच पड़ताल करने लगे और उन्होंने अपनी खोज का दायरा बढ़ाते हुए इंडिया में भी कदम रख दिया। एंड नाउ गेस व्हाट दे फाउंड, अकेले 2023 में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और नेपाल में, यानी सिर्फ एक ही साल में, वहां पर 2021 और 2022 के मुकाबले दुगने भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए थे, जिसे इनफैक्ट मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज ऑफ इंडिया किरण रिजिजू ने भी कंफर्म किया। अब ऐसे में शुरुआत में तो सभी जियोलॉजिस्ट को लगा कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और टिबेट, ये सभी प्लेसेस दो टेक्टोनिक प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री पर स्थित है, और नेचुरली ऐसे बाउंड्रीज पर भूकंप आना कॉमन होता है। बट यू नो दिस वॉज नॉट इनफ, देयर वॉज मोर टू इट। एक्चुअली में ना, इन दोनों प्लेट्स की बाउंड्री सिर्फ इतने रीजन तक ही सीमित नहीं है। ये बाउंड्री यहाँ कराची से लेकर लद्दाख तक ऊपर जाती है और फिर तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए वापस से म्यांमार तक नीचे आती है। यानी कि अगर बाउंड्री पर होने की वजह से भूकंप हो रहे होते तो फिर वैसे ही फटके पाकिस्तान की तरफ वाले वेस्टर्न हिस्से और म्यांमार की तरफ वाले ईस्टर्न हिस्से में भी होने चाहिए। पर वेरी वियर्डली पिछले 6 साल में इस पूरे बाउंड्री पर आने वाले हर 5 में से 4 भूकंप सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में आए हैं। यानी कि क्लियरली इस रीजन के नीचे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के धक्कों से भी कहीं ज्यादा एक्सट्रीम है। बट यू नो व्हाट, एक्चुअली में ये हिमालय के फॉर्मेशन की सिर्फ आधी सच्चाई है जो टेक्निकली गलत भी है। सो असल में हिमालय पर्वतों का फॉर्मेशन इन दो प्लेट्स के टकराने से नहीं बल्कि
तीन प्लेट्स के टकराने से हुआ है। दरअसल आज से कुछ 100 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच तेथिस ओशियन नाम का एक ओशियन मौजूद हुआ करता था, जिसके तल में एक तीसरी प्लेट थी, शिरोदा प्लेट। अब हुआ ये कि जैसे इंडियन प्लेट गोंडवाना से टूटकर तेथिस ओशन के नीचे मौजूद शिरोदा प्लेट से टकराई, तो शिरोदा प्लेट इस कोलिजन की वजह से इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच दबने लग गई। इसके वजह से तेथिस सी का तल उसके नीचे मौजूद शिरोदा प्लेट से अलग होकर ऊपर उठने लग गया और शिरोदा प्लेट खुद यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने लग गई। यानी कि 100 मिलियन सालों पहले जो तेथिस सी का तल था वही आज हिमालयन माउंटेन रेंजेस बन गए। लेकिन इस कोलिजन के बाद भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के तरफ बढ़ रही थी और फाइनली जब ये दोनों प्लेट्स टकराए तब बचे हुए हिमालयाज भी बने। एंड दिस इज हाउ तीन प्लेट के कोलिजन से पूरे हिमालयन माउंटेन रेंजेस का जन्म हुआ। अब याद करो मैंने पहले कहा था पिछले 6 सालों में इस पूरे बाउंड्री पर आने वाले हर 5 में से 4 भूकंप सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में आए। एंड वेल दैट इज एग्जैक्टली बिकॉज सिर्फ इसी रीजन में शिरोदा प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे गई। अब नेचुरली जियोलॉजिस्ट के मन में यही सवाल आया कि क्या ये शिरोदा प्लेट कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिसके वजह से पर्टिकुलरली टिबेट और इंडिया में लगातार भूकंप आ रहे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यूएस के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट ने टिबेट रीजन में मौजूद सभी टेक्टोनिक प्लेट्स को साथ में स्टडी करके उनके बीच की बाउंड्रीज को मैप किया। एंड यू नो व्हाट, सभी प्लेट्स की बाउंड्रीज को मैप करने के लिए उन्होंने एक ऐसी चीज को चुना जो काफी अनयूजुअल थी, टिबेट के बर्फीले ठंड में पाए जाने वाले हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के स्रोत। क्योंकि देखो हॉट स्प्रिंग्स तब बनते हैं जब ग्राउंड वाटर पृथ्वी के अंदर मौजूद धड़कते लावा के कॉन्टैक्ट में आकर गर्म होता है और सतह पर आ जाता है। इसके वजह से उन हॉट स्प्रिंग्स में पृथ्वी के अंदर मौजूद कई सारे कंपाउंड्स भी होते हैं। सो उन रिसर्चर्स ने इन्हीं कंपाउंड्स में से हीलियम के आइसोटोप्स HE3 और HE4 का इस्तेमाल करके इन दोनों प्लेट्स की बाउंड्री का एक मैप बनाया। अब स्पेसिफिकली सिर्फ हीलियम को ही क्यों चुना गया, क्योंकि जियोलॉजिस्ट ये जानते थे कि हीलियम 3 सिर्फ पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा में पाया जाता है और जब वो पृथ्वी के क्रस्ट के संपर्क में आता है वहां पर मौजूद यूरेनियम के साथ रिएक्ट करके वो हीलियम 4 में तब्दील हो जाता है। यानी कि अगर किसी जगह पर हीलियम 3 की मात्रा ज्यादा हुई तो इसका मतलब वहां का क्रस्ट पतला है और अगर हीलियम 4 की मात्रा ज्यादा हुई तो वहां का क्रस्ट मोटा है। और इसी बेसिस पर इन रिसर्चर्स ने टिबेट के आसपास मौजूद सभी 225 हॉट स्प्रिंग्स को एनालाइज किया। And then what they found was totally shocking. जहां पर normally Indian plate 100 kilometers thick है, वहीं इस मैपिंग में ये देखा गया कि Tibet के एरिया में वो सिर्फ 80 kilometers ही thick है, यानी 20 kilometers पतली। इस ऑब्जर्वेशन के बाद जियोलॉजिस्ट को ये यकीन हुआ कि नक्की इन प्लेट्स के नीचे कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके वजह से ये प्लेट एकदम पतली होती जा रही है। पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से इन प्लेट्स की थिकनेस कम होती जा रही है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए 2023 में चाइना के ओशियन यूनिवर्सिटी ने इस पूरे प्रॉब्लम को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से स्टडी किया। दरअसल चाइना के जियोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ना टिबेट में मौजूद इंडियन प्लेट को एक ऐसी टेक्निक के साथ स्टडी करें जिससे हम एग्जैक्टली ये देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है। और इसके लिए जियोलॉजिस्ट ने टिबेट के अर्थक्वेक नापने वाले 94 साइज़मिक स्टेशंस से अर्थक्वेक वेव्स का डेटा इकट्ठा किया और फिर उस डेटा को वो डिटेल में स्टडी करने लगे। वजह ये थी कि जब भी किसी रीजन में भूकंप आता है तब उसके सेंटर से 2 टाइप्स के वेव्स एक के बाद एक बाहर आते हैं। सबसे पहले प्राइमरी यानी कि पी वेव और उसके बाद सेकेंडरी यानी कि एस वेव। और फिर ये वेव्स जब पृथ्वी के अलग अलग लेयर्स से ट्रैवल करते हैं तब इनकी स्पीड में बदलाव आता है। तो ओशियन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने टिबेट रीजन के 94 साइस्मिक स्टेशन से इकट्ठा किए हुए अर्थक्वेक डेटा में ये देखना शुरू किया कि कहां पर एग्जैक्टली इन दोनों वेव्स की स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं और उसके बेसिस पर एक मॉडल बनाया। और यही वो समय था जब जियोलॉजिस्ट ने उस मॉडल में कुछ ऐसा होते हुए देखा जो किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। तो जब साइंटिस्टों ने अर्थक्वेक डेटा से बनाए मॉडल को स्टडी किया तब उन्हें पता चला कि टिबेट जहां पर क्रस्ट की थिकनेस सिर्फ 80 किलोमीटर थी उसे पार करने के बाद अर्थक्वेक से निकले पी और एस वेव्स की स्पीड तेज हो गई। यानी कि ये ऑब्जर्वेशंस इस फैक्ट की ओर इशारा कर रहे थे कि वहां पर मैग्मा मौजूद है, क्योंकि ये दोनों वेव्स क्रस्ट के मुकाबले मैग्मा में ज्यादा तेजी से ट्रैवल करते हैं। बट देन कुछ ही दूरी तक ट्रैवल करने के बाद इन दोनों वेव्स की स्पीड में फिर से एक बार बदलाव आने लगा और वो स्लो हो गए। इट वॉज लाइक कि मैग्मा के नीचे वापस से सॉलिड क्रस्ट मौजूद है
यानी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि क्रस्ट के नीचे मैग्मा था और उस मैग्मा के नीचे वापस से क्रस्ट, और इससे साइंटिस्टों ने यह अंदाजा लगाया कि असल में किसी वजह से टिबेट रीजन में मौजूद इंडियन प्लेट में ऐसा एक क्रैक आया होगा जिसे पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा ने भर दिया, और किसी प्लेट के ऐसे टूटने के प्रोसेस को जियोलॉजिस्ट डीलैमिनेशन कहते हैं। यानी कि जैसे आपने किसी डॉक्यूमेंट को लैमिनेट किया होता है तो वो कई बार उखड़ जाता है ना, सॉर्ट ऑफ वैसे ही हो रहा था हमारे इंडियन प्लेट के एज पर। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? वेल, जैसे कि मैंने पहले कहा, भारत की जमीन हर साल धीमी रफ्तार से हिमालय के नीचे घुस रही है, और इसी रफ्तार से आने वाले कई हजारों सालों में हमारे नॉर्थ के ये स्टेट्स और यूपी के नॉर्दर्न बॉर्डर का कुछ हिस्सा भारत के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो चुका होगा। और ऊपर से हिमालय पर्वतों का भी भविष्य कुछ बहुत ही सुनहरा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की एक जियोलॉजिस्ट रेचल हेडली के अनुसार हमारे हिमालय पर्वत लगातार 4 मिलीमीटर की रफ्तार से ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला है। एक समय ऐसा आएगा जब इस स्टीप ऊंचाई की वजह से उसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा, और फिर उसके बाद हिमालय पर्वतों के बड़े बड़े टुकड़े तेजी से ढहने लगेंगे, और ये तबाही नॉर्थ के उस पूरे हिस्से को अनहैबिटेबल बना देंगे। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अ बिग पैराडॉक्स ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स। तबाही की जड़ को समझकर मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर टेक्टोनिक प्लेट्स में इस तरह की हलचल ही नहीं होती और वो सभी शुरुआत से एक ही जगह में फिक्स्ड होते हैं, तो पृथ्वी कितनी ही शांत होती ह्यूमन लाइफ के लिए, है ना? वेल, शांत तो जरूर होती, लेकिन आप और मैं जिंदा ही नहीं होते आज। आज से 3.5 बिलियन सालों पहले ही पृथ्वी के जियोथर्मल वेंट्स में लाइफ का जन्म पहली बार हुआ, क्योंकि पृथ्वी के प्लेट्स के बीच में के क्रैक से हीट रिलीज होकर लाइफ के लिए सही वातावरण क्रिएट कर पाई जिसमें कार्बन बेस्ड लाइफ जन्म ले पाई। वहां से फिर यूनिसेलुलर जीव मल्टीसेलुलर जीव बन पाए और कॉम्पिटिशन और एवोल्यूशन का सिलसिला चालू हो गया। अब ये एवोल्यूशन का सिद्धांत भी फंडामेंटली उसके इर्द गिर्द मौजूद एनवायरमेंट पर ही निर्भर करता है, जिस वजह से इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स का इंपॉर्टेंस जिंदगी के फलने और फूलने के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, आज से 150 मिलियन सालों पहले अगर ठंडे इलाकों में रहने के लिए डायनासोर्स ने फेदर्स को इवॉल्व नहीं किया होता तो आज हमारे आसपास बर्ड्स ही नहीं होते। अब जरा सोचो अगर पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जैसा वातावरण होता, एक ही किस्म के पेड़ पौधे होते, तो वो इवॉल्व कर पाए होते क्या? ऑब्वियसली नॉट। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर प्लेट टेक्टोनिक्स कम इनटू द पिक्चर। इन प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से पहाड़, प्लेन्स और खाई, ज्वालामुखी जैसे कई दूसरे लैंड फीचर्स पैदा हो पाए। अब ऐसे में अगर ये मूवमेंट्स नहीं हो पाते तो ये सभी इलाके कभी बन ही नहीं पाते, और इसी की वजह से इन्हीं इलाकों में रहने वाले जीव जो आज हमें दिखते हैं वो नहीं एग्जिस्ट कर पाते। एंड यू नो व्हाट, यही तो है प्रकृति का पैराडॉक्स। प्रकृति ना तो अच्छी है ना ही बुरी, ये सिर्फ एक सच्चाई है, एक फैक्ट। इसी की वजह से आज हम यहाँ पर है और इसी के वजह से कल हमें जाना भी पड़ सकता है अगर हम बदलते हालातों के हिसाब से खुद को इवॉल्व नहीं कर पाए। एज ऑलवेज कीप योर क्यूरियोसिटी अलाइव, सी यू नेक्स्ट टाइम, जय हिंद। हाँ भाई, यही तो नेचर है, इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। और पहले भी आपने बताया था एक वीडियो में, पता नहीं कितने करोड़ साल पहले इंडिया तो था ही नहीं, हिस्सा ही नहीं था एशिया का, बाद में वो ऐसे सफ़र करते करते एशिया में आया। और अब आप बता रहे हो कि यहाँ पे भाई ये वापस टुकड़े हो रहे हैं और ज़मीन के अंदर प्लेटें हिल रही है, भाई कोई कमज़ोर हो रही है प्लेट तो कोई भाई उसके अंदर वो मैग्मा है, वही कोई ज्वाला वो भर रहा है, तो बड़ी यार ज़मीन में हलचल हो रही है, जलजले आ रहे हैं। और ख़ासकर आप बता रहे तिब्बत में ये हो रहा है और इंडिया में ये हो रहा है, तो भाई साइंसदान भी फेल है, अमेरिका के साइंसदान जो है वो भी कुछ नहीं कर पाए, चाइना वालों ने थोड़ी कामयाबी दी कह रही इस मामले में, चाइना भाई आगे उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए भाई, वो इन चीज़ों में ना बड़ा ध्यान देता है भाई, कि ज़मीन के अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई वो सारा उनको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कैसी वेव्स आ रही हैं, कितने किलोमीटर थिक के भाई। ये चाइना को इस मामले में आप अप्रिशिएट करो भाई, कितनी भी दुश्मनी हो लेकिन चाइना ने सही किया। और बताया आपको कि भाई अब अरुणाचल प्रदेश जो हम जिसकी तारीफ कर रहे थे नज़र लग गई, वो भी गायब हो जाएगा नक्शे से ही भाई, कोई बड़ा हिमाचल प्रदेश, तो ये भाई इंडिया के लिए बड़ी खतरे की बात है। इंडिया क्या कुदरत से कौन मुकाबला करेगा भाई, कुदरत करते रहेगी। और हमारे किताबों में कुरान में भी एक कयामत आएगी एक दिन तो पूरी ज़मीन हिल जाएगी भाई, तो आज ये साइंसदान मान रहे हैं यार, क्या बात है यार। आज तो मैं भी दंग रह गया हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गौरव भाई बताते हैं ना तो हैरान कर देते हैं, दंग रह जाते हैं हम देखकर क्या इन्फॉर्मेशन है। और ये भाई
जब पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे, हिलने लगेंगे, तो भाई वो तो गिरना शुरू कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। इतने बड़े इंडिया में पहाड़ है भाई, इंडिया यहाँ से नक्शे से हट जाएगा, वापस वो बड़े देशों में चला जाएगा भाई, बड़े मुल्कों के पास। ये तो हमारे पास आए, धीरे धीरे आकर एशिया में बस गया ना इंडिया भाई। ये तो जलजले तो ये होते रहते शुरू से ही लेकर जैसे दुनिया बनी है ना, ये भूकंप आते रहते। बाकी ये साइंस वाले भी है ना, ये भी कुछ भी नहीं करेंगे, जो आने वाला होगा उसको साइंस भी नहीं रुक सकेगी भाई। आप जित कुदरत से कौन मुकाबला करेगा भाई, आप तो बस ट्राई कर लो। आपको तो पता ही है ये प्लेटें ये कम पतली हो रही है, इधर हो रही है, जो भी आएगा ना ठोक कर आएगा भाई। वो चाइना वाले किसी भाई के लिए परेशान नहीं, अपने लिए परेशान भाई। चाइना वाले भी देखो ना, साइंसदान बता रहे हैं तो ये लिए परेशान है, किसी कुछ के लिए भी नहीं है भाई। जो कुदरत से जो भी पंगा लेगा ना, वो तो दुनिया से नष्ट नाबूद हो जाएगा भाई। जो भी हो बस सबर करो। ये 25,000 साल बोले, मिलियन साल बता रहे ना भाई। फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स ये बताओ, हजरत आदम कब आया था ये बताओ। 2,000 साल बोले, 25,000 साल पहले थे क्या तुम? अरे बिलियन का आएगा, ये दुनिया वाले सारे तारीफ खुदा की है भाई। भाई ऐसा भारत वाले जब भी ये तो अलग भाई, तो अपने ही बंदों को, हाँ ये गौरव भाई तो अपने ही बंदों को डरा रहा है। नाम नहीं सही से पता, और ये दरारे तो आएगी ना भाई, दरारे अभी तो ये भारत वालों को ये वीडियो पता चलेगा तो जो लोग वहां पर रहते तो वो तो भागने शुरू हो जाएंगे भाई। तो बता रहे अभी हुशियार कर रहे हैं, हुशियार आएगा, हुशियार ये तो सारा के तो एक जगह पर दो तीन भाई। मौत जहाँ भी आएगी ना वो आएगी, अब कहाँ भागोगे। बाकी ये जो बता रहे ना वो बिल्कुल साइंसदान भी कोशिश कर रहे। सबसे जो मुझे अच्छा लगा ना वो साइंसदान वो चाइना वाले लगे, जो असल तय पर पहुंच गए भाई। दूसरे भी आए मगर उनसे बस का काम नहीं रहा। हमें तो बहुत अफसोस है ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। भारत हो या पाकिस्तान हो, देखो ना दोनों तरफ नुकसान तो दोनों तरफ का है ना। रास्ता कट जाएगा हमारा तो नुकसान तो होगा ना हमें। और दूसरी बात तो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, तो अगर वहाँ कुछ हो गया तो आप तो परेशान खुद भी होंगे। आप रहोगे इंडिया चला गया हमसे सही। वो बात तो है ना, नुकसान जिस मुल्क का होगा तो लोग तो उनका हाल क्या होगा यार, जरा वो भी तो सोचे ना। तो इस अलोक भाई क्या नाम था उसका, गौरव भाई ने जो है ना पूरी हुकूमत यानी पूरी अवाम को जो है ना होशियार कर दिया कि कुछ आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि साइंस तरक्की करके गई है, तरक्की कर रही है। हम तो यार तो कुछ भी नहीं बता सकते हैं ना, हमारे पास ऐसी चीज़ें ही नहीं हैं कि हम क्या बताएं। भाई अल्लाह रहम करे, और हम तो इन चीज़ों में मानते हैं कि ये बस कुदरत की तरफ से ये होते हैं जलजले। टेक्नोलॉजी कितनी भी तरक्की कर ले ना, इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, चाहे कुछ भी कर ले, ये कुदरत का ही भाई है निज़ाम। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा हमें ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू अल्लाह।